Subscribe my channel and be my best friend, and do hit the bell icon to stay notified about my latest videos and updates. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So कैसे हैं आप सब. So आज की वीडियो में मैं आपको थ्री डिफरेंट लुक्स जो है वो अचीव करके दिखाऊंगी. फर्स्ट लुक जो है वो ये है, ठीक है. ये आप किसी भी जो है वो इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, बाहर डिनर पर जा रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं, या कहीं पे भी आप ऐसी जो है वो मिलने कहीं जा रहे हैं. सो ये ऐसा सिंपल सा जो है वो लुक है जिसको आप आराम से ईजिली अचीव कर सकते हैं विद वन शेड. नो क्रीज, नो कुछ, नो कटिंग एट ऑल, ठीक है. इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है. सेकंड लुक जो है वो ये है. ये भी बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा सिंपल सा लुक है. अच्छा, शेड्स की कोई वो नहीं है कि आप यही शेड्स यूज़ करें. आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का शेड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सेकंड लुक है आप इसमें अगर यही करें तो सॉफ्ट लुक आएगा. और थर्ड जो है ऊपर का तो सब कुछ वही, लेकिन मैंने नीचे भी लाइनर अप्लाई कर लिया है जिसकी वजह से थोड़ा सा हेवी लुक आ जाता है, ठीक है गाइस. सो आज ये तीनों लुक जो है वो मैं आपको अचीव करके दिखाऊँगी. और आप इसको इफ्तार पार्टी में, सहरी अगर आप बाहर करने जा रहे हैं, या अगर मिलने जा रहे हैं, आप इसको जब आपका दिल चाहे जिस तरह अगर आप चाहते हैं ड्रेस के साथ हैवी लुक सिंपल लुक, तो आप उसको अचीव कर सकते हैं. वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे मैं किस ब्यूटी की चॉकलेट ब्राउन कलर में जो है वो पेंसिल लूँगी, जिसके कैप पे जो है वो अच्छा सा दिया हुआ है एक ब्रश, और इसी की मदद से जो है वो मैं अपनी ब्रो को अच्छे से फिल कर लूँगी. अगर आपकी ब्रो बनाते टाइम हिल जाती है, ऊपर नीचे अप डाउन कलर हो जाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, उसको हम कंसीलर से ठीक कर लेंगे, ठीक है. तो ये मैं फिर जो है वो कैप की मदद से जो है वो कैप में जो ब्रश है उसकी मदद से इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट कर लूँगी. सारे कलर को जो मैंने छोटे छोटे स्ट्रोक्स में लगाए, जहाँ जहाँ से मेरी ब्रोज गायब हैं, इस वजह से मेरी ब्रोज इस वजह से ऐसी हो रही हैं क्योंकि मैं अपनी ब्रोज बनवाई हुई नहीं है मेरी. इस वजह से बाल जो हैं वो इधर उधर ब्रो के भाग रहे हैं. फिर मैं क्रायलॉन टेवी पेंट स्टिक लूँगी एक फ्लैट ब्रश की मदद से, स्मॉल फ्लैट ब्रश लूँगी, और उसकी मदद से इसको अच्छे तरीके से कंसील कर लूँगी और अपनी ब्रो को बिल्कुल नीट कर लूँगी. और ये बीच में जो है वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कलर की वजह से बाल दो तीन मतलब चिपक नहीं जाते, सो उस टाइप के कुछ हो गए हैं. सो इसलिए मैं ब्रश से इसको ठीक कर लूँगी. फिर एक स्पूली लूँगी और स्पूली की मदद से मैं अपनी पूरी ब्रश को अच्छे से कॉम कर लूँगी. देन यहाँ पे मैं करूँगी कंसील. तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ क्रायलॉन की टीवी पेंट स्टिक FS38, और उससे जो है वो मैं अपनी पूरी आई को, ब्रो बोन को, ऊपर सारा एरिया जो कुछ यानी कि अंडर आई वे एरिया वगैरह जो है उसको मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे कंसील कर लूँगी इस क्रायलॉन की टीवी पेंट स्टिक की मदद से. फिर यहाँ पे मैं एक लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर और इस कंसीलर को, मींस इस स्टिक को एज अ कंसीलर यूज़ करते हुए अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी. सो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से इसको कर रही हूँ ब्लेंड. यहाँ पे मैंने सब ब्लेंड कर लिया है. फिर मैं ले रही हूँ क्रिस्टीन का लूज़ फेस पाउडर नेचुरल 318 शेड नंबर में, और इससे मैं पूरी आई को बैक कर लूँगी, अच्छे तरीके से बैक कर लूँगी, अपनी पूरी आई को सेट कर लूँगी ताकि कोई क्रीजिंग वगैरह ना हो और पैची ना हो. फिर मैं एक पाउडर ब्रश लूँगी और उसकी मदद से सारा जो है वो थोड़ी देर रखने के बाद, सेट करने के बाद इसको सारा जो एक्सेफ होगा उसको मैं डस्ट आउट कर दूँगी. फिर यहाँ पे मैं मिम्स की जो है वो पैलेट ले रही हूँ. इसमें वेलवेट शेड्स और उसकी ज़बरदस्त ये पैलेट है और इंतहाई ज़बरदस्त की पिगमेंटेशन. इसमें से मैं ये कॉपर ब्राउन शेड लूँगी और ब्रश की मदद से जो है वो मैं इसको पहले मैंने इसको ब्रश की मदद से लगाया, लेकिन मुझे ब्रश की मदद से इतना कोई अच्छा नहीं लग रहा था इसका पिगमेंट. सो यहाँ पर जो है वो मैंने अपने फिंगर की मदद से लगाया. फिंगर की मदद से ही बहुत अच्छा लग जाता है और इंतहाई पिगमेंटेड और बहुत ही खूबसूरत जो है ये शेड्स हैं. सो ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है लगाने पर. और मैं सिर्फ इसी एक शेड को लेके पूरी आई पे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लूँगी और ब्लेंड कर लूँगी. सो अब ये देख सकते हैं, अब मैंने कोई क्रीज नहीं बनाए, कुछ भी एरिया कंट्रोल नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक कॉपर ब्राउन सा शेड लिया. आप चाहें तो लाइट गोल्डन, गोल्डन बेबी पिंक, सॉफ्ट पिंक, कोई भी जो आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर हो आप वो लेकर भी लगा सकते हैं, ठीक है. लेकिन मैं अगर यूजुअली यूज़ करती हूँ क्योंकि हमारे स्किन से ये मिलता है और ये खूबसूरत लगता है कलर बहुत ज़्यादा. डे टाइम में भी अगर मैं जाती हूँ तो सिंपल सा ब्राउन कलर का शेड लगा लेती हूँ तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, ठीक है. सो आप इसको लगा सकते हैं. फिर यहाँ पर मैं ले रही हूँ ग्लैमरस फेस का नेवी ब्लू 16 शेड में ग्लिटर लाइनर, उससे मैं लगा रही हूँ. मैं फिर ये कहूँगी कि कलर आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और ग्लिटर लाइनर भी आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं. जैसे कि आपका ग्रीन, पिंक और ब्लू कलर का जो है वो ड्रेस है,
सो आप बेबी पिंक कलर का जो है वो पूरे आई एरिया पर लगा लें, ठीक है। ब्लू मस्कारा लगा रहे हैं और जो ग्रीन शेड आएगा वो नीचे लोअर लेश लाइन पे लगा रहे हैं, जैसे कि मैं आगे एक शेड लगाऊंगी, ठीक है। सो कलर जो है वो आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेकअप आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। बाकी कलर्स जो है वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे मैं विंग लाइनर अप्लाई करना बता रही हूँ। सो इस तरीके से मैंने विंग लाइनर लिया, फिर इसी पैलेट में से मिम्स में से ये सिल्वर कलर का शेड में लूँगी, उससे जो है वो मैं अपनी ब्रो बोन और टियर डक्ट को अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लूँगी, जिससे जो है वो कलर मेकअप बहुत ज़्यादा उठ जाता है और ख़ूबसूरत लगता है। और मैं इसको अपने फिंगर की मदद से जो है वो ब्लेंड करती जा रही हूँ। यहाँ पे मैं अपना टियर डक्ट जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्लैमरस फेस की वाइट कलर में पेंसिल, और इसको जो है वो मैं अपनी वाटर लाइन पर लगा लूँगी। इसकी वजह से आपकी आँख जो है वो बहुत ज़्यादा खुली खुली और बहुत खूबसूरत लगती है। सो यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरीके से अपनी वाटर लाइन पर लगा लूँगी ग्लैमरस फेस की पेंसिल इन वाइट कलर, ठीक है। देन यहाँ पर मैं लॉरियल का मस्कारा ले रही हूँ और अपनी जो है वो आई लेशेस को अच्छे तरीके से मैं मस्कारा कर लूँगी, मस्कारा अप्लाई कर लूँगी अपनी लेशेस पर। फिर मिम्स पैलेट में से ये कलर मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैं ये लगा रही थी, बाकी आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग जो है कोई भी शेड लेकर लगा सकते हैं। ये कलर मुझे अच्छा लग रहा था इस वजह से मैंने एक छोटे से स्मॉल फ्लैट ब्रश की मदद से ये कलर लेके अपनी लोअर लेश पे लगा लिया। सो आप देख सकते हैं ये कितने पिगमेंटेड और कितने खूबसूरत कलर हैं। यहाँ पे मेरा फर्स्ट लुक डन हो गया है, आप कलर कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे मैं जैकलिन हिल के पैलेट ले रही हूँ सेकंड लुक के लिए, फिर मैं इसमें से ये दोनों शेड लूँगी और इससे जो है वो अच्छे तरीके से एक छोटे से स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं अपनी आई को अच्छे से कट कर लूँगी, सॉरी अपनी क्रीज डेवलप कर लूँगी। बहुत ही खूबसूरत कलर हैं ये दोनों, बहुत ही प्यारे से जो है वो अपनी आपकी जो है वो क्रीज यहाँ इस इन दोनों कलर से जो है वो हो जाती है डेवलप क्रिएट। देन यहाँ पे मैं ये एक डार्क कलर से जो है वो शेड लूँगी और स्लो स्लो करके अपने आउटर वी की तरफ लगाऊंगी, और इसी शेड को जो है वो क्रीज वाले एरिया के क्रीज एरिया पर जो मैंने शेड यूज़ किया है उस शेड के साथ मिलाते हुए, यानी कि एक ब्रश पे वाला शेड जो डार्क मैंने अभी आपको दिखाया वो और क्रीज वाला कलर दोनों मिलाकर लेकर मैं इसको जो है वो इससे अपना आउटर वी कर लूँगी क्रिएट। सो इस ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा करके जो है वो अपना आउटर वी जो है वो कर रही हूँ क्रिएट, ठीक है। देन जो है वो मैं ये वाला कलर लूँगी एक छोटे से स्मॉल फ्लैट ब्रश में गोल्डन कलर का, इससे जो है वो मैं अपना एरिया कट भी कर लूँगी और इसको एज अ बेस इस शेड को मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसके ऊपर मैं लिक्विड ग्लिटर जो है वो यूज़ करूँगी। सो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से, मैं इसको जो है वो कॉर्नर्स वगैरह में सब मैं अप्लाई कर लूँगी। फिर यहाँ पर मैं एक लिक्विड ग्लिटर जो है वो आई शेडो ले रही हूँ, लिक्विड ग्लिटर आई शेडो, फिर उसकी मदद से मैं अपने एरिया को मज़ीद अच्छे से कट कर लूँगी इसके एप्लीकेटर की मदद से, और इस पूरे एरिया पे जहाँ पे मैंने एज अ बेस शेडो अप्लाई किया है उस पूरे एरिया पर जो है वो अपने आईबॉल एरिया पर इस ग्लिटर लिक्विड ग्लिटर आई शेडो को जो है वो मैं अप्लाई कर लूँगी। आप देख सकते हैं अप्लाई होने के बाद कितना ही सॉफ्ट और ख़ूबसूरत ये लग रहा है। फिर यहाँ पर मैं एक लूँगी फ्लफ़ी सा ब्रश और उसमें ये शेड लूँगी जिस पर मैंने क्रीज पे अप्लाई किया है, और इसको मैं अच्छे तरीके से कॉर्नर से ब्लेंड कर लूँगी और इससे अपनी क्रीज भी ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे और मेरा मेकअप बिल्कुल ब्लेंड हुआ हुआ खूबसूरत दिखे, ठीक है। सो ये कॉर्नर्स पे मैं कर लूँगी। फिर उसके बाद दोबारा मैं जो है ये कॉपर ब्राउन शेड ले रही हूँ और इसको जो है वो मैं अपनी लोअर लेश लाइन पर लगा लूँगी। कलर्स आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये जो सेकंड वाला लुक है जो मैं अभी करके आपको दिखा रही हूँ, अगर आप किसी भी ड्रेस के साथ अगर उसमें गोल्डन शेड आ रहा है तो अगर आप ये अप्लाई करें तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये मेकअप, बहुत ही प्यारा और सॉफ्ट आपका जो है वो लुक देगा। ये लाइनर जो है वो मैं अभी इस पर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप चाहें बहुत ज़्यादा आप सॉफ्ट लुक चाहते हैं इस मेकअप के साथ तो आप विंग नहीं बनाएं, बस जस्ट एक लाइन क्रिएट कर लें और बस मस्कारा लगा लें एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा हेवी लुक चाहते हैं, आपका ड्रेस बहुत ज़्यादा सिंपल एंड क्यूट और डिसेंट सा है और आप थोड़ा सा हेवी लुक चाहते हैं तो फिर आप विंग लाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे मैं भी आपको विंग लाइनर इस तरह भी आप कर सकते हैं। फिर अगेन अगर आप विंग लाइनर चाहते हैं तो आप इस तरीके से विंग लाइनर क्रिएट कर सकते हैं अपना। सो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और सॉफ्ट जो है वो ये लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे मैं एक प्यारा सा जो है ये पिंक कलर का बेबी पिंक सा जो है ये शेड है उसको लेके जो है वो मैं अपनी ब्रो बोन इससे हाईलाइट कर लूँगी और अपने टियर डक्ट में भी इसी शेड को अप्लाई कर लूँगी। ये मैंने मिम्स की पैलेट में से आई थी, इसको इसी तरह प्रोनाउंस करते हैं, मिम्स और माइम्स डोंट नो, लेकिन आई थिंक इसे मिम्स ही कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा लुक हो गया है डन। यहाँ पे मैंने फॉल्स लैशेस अप्लाई करके मस्कारा अप्लाई कर लिया है। सो आप देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत और सॉफ्ट लुक दे रहा है। ये आप डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कोई ये इतने हार्श कलर्स नहीं है और इंतहाई खूबसूरत है। ठीक है, तो ये लास्ट एंड थर्ड लुक है। बस आपने क्या करना है, इसी तरीके से इसी मेकअप के नीचे इस तरीके से आपने लाइनर अप्लाई करना है। आप चाहें तो इस तरीके से अपनी हाफ आई पर भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो पूरी आई पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा आपको ज़्यादा हैवी लुक देगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल फर्स्ट वाला थोड़ा और ज़्यादा हैवी, थोड़ा और ज़्यादा हैवी सेकंड वाला और बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैवी ये थर्ड वाला लुक। आप देख सकते हैं इससे जो है मेरी आँख भी जो है वो खुली खुली लग रही है। इसके बाद जो है वो मैं अप्लाई कर लूँगी इसमें ग्लैमरस फेस की वाइट कलर की पेंसिल। सो ये आप देख सकते हैं कि मैं अपनी वाटर लाइन पे अच्छे तरीके से कर रही हूँ अप्लाई, और उसके बाद आप देखिएगा आँख कितनी ज़्यादा खुली खुली लगती है। ये देखें आँख कितनी जो है वो खुल गई है एकदम से। ठीक है गाइस, सो ये थी मेरी वीडियो। मेक श्योर अगर आपको पसंद आए सो लाइक माई वीडियोज़, कमेंट में लाजमी बताएं वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट लुक आप किस पर चाहते हैं, एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ गाइस, सपोर्ट मी। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।